लेकिन वो जब 35-36 औरतें उठी तो मुझे पता चला कि देयर इज एन इशू बिटवीन अस एंड देम। मैं आपसे अर्ज करता हूं, इट इज हाई टाइम नाउ बिकॉज देयर इज सम कॉन्स्पिरेसी जिसमें किसी तरह मेरे मजहब की इंजंक्शंस को निशाना बनाया जा रहा है। मैं कोई मौलवी आदमी नहीं हूं, बट रिमेंबर हर मुल्क को और हर कौम को अपने मजहब पर प्राइड है। इट इज ओनली अ फ्यू ऑफ आर स्टूपिड्स जो इसको किसी तरह इंसल्ट करना चाहते हैं। एंड मे आई टेल नाउ, आई डिडंट नो व्हाट आई वाज डूइंग, बट नाउ आई विल डू, आई विल नॉट लेट यू डू दैट ऑल। मर्द वॉज इम्पॉर्टेंट इक्वली, वुमेन वॉज इम्पॉर्टेंट। हमने तो देखा अपने अब्बाओं को, अपने चचाओं को, अपने ताओं को अपनी बेगमां से डरते हुए, और वो डरना हम वी लव दैट, उसके जोक्स बनाते हम, लेकिन वो डरा जाता है उस औरत से जिसको घर संभालना, जिसको माशरा संभालना और जिसको नस्ल संभालना आती है। सही कह रहे हैं, दुरुस्त। तो आई डोंट थिंक देयर इज अ वॉइस, आई एम जस्ट कॉलिंग देम ऑल, सिट डाउन, हैव एन आर्गुमेंट। आप किसी भी कीमत पर, कोई किसी भी फंडिंग की बुनियाद पर मेरे मजहब को डिफीट नहीं कर पाएंगे। आपके पास आर्गुमेंट नहीं है, आप भी हयाई को प्रिवेल करने के लिए दुनिया के कौन से कोने से आर्गुमेंट लाएंगी? कोई कोई भी माशरा, इट बी यूरोपियन, इट बी अमेरिकन, वो बेहयाई को बेहयाई कहता है। तो इट इज हाई टाइम नाउ दे शुड अंडरस्टैंड। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि मर्द भी बड़ी हद तक कुर्बानियां दे रहे होते हैं लेकिन उनको एड्रेस नहीं हो रहा? ही इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड। अगर हम सैक्रिफाइस की बात करें, ट्रस्ट मी, मर्द ही कहेंगे, मैन कम्स फर्स्ट। यस एग्जैक्टली, आई आल्सो हैव, वुमेन कम्स सेकंड, आई टेल यू। राइट, आप जरा गौर फरमाइए, मैं अपने बचपन से लेकर आज तक देख रहा हूँ, इवन टुडे व्हेन इट इज 2020, जब लड़कियों का कॉलेज लगता है, आप जरा गौर फरमाइएगा, वहां पर मोटर बाइक पर कितने बाप हैं जो अपनी एक बेटी या दो तीन बेटियों को लेके, जिसको एक को पहले यहाँ ड्रॉप करना है, दूसरी को वहां ड्रॉप करना है, शेप भरी होती है और उसके बाद उस शरीफ आदमी ने अपने ऑफिस जाना है। बिल्कुल, ये हमारे माशरे का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही प्राइड लेने वाला कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम लड़की को, औरत को संभाल कर रखते हैं। बिल्कुल, और अगर औरत को और लड़की को हम संभाल कर नहीं रखेंगे, आप यकीन कीजिएगा, हमें माशरे को बनाने, घर बनाने और उनके लिए इतनी तगोदो करने की कभी ज़रूरत नहीं है। सही बात है। तीसरी बात, आप ज़रा सोचिए, इंस्टेड के हम ये इशू रेज करते, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि कैसे ये बात अज्यूम कर ली। फिर औरत की कुछ फितरतें भी हैं, फितरी तौर पर जो अच्छी औरतें हैं उनको भी प्रोटेस्ट करने की आदत होती है कईयों को। ये प्रोटेस्ट क्या है? आप, यू हैव अ वंडरफुल वाइफ, इवन इफ यू हैव स्पेंट अबाउट 30 इयर्स विद हर, वन डे शी लास्ट यू, तू मेरे से कीता की है, दैट इज वेरी स्पेसिफिक विद अ वुमन एंड वी लव हियरिंग दिस, वी वांट टू डू मोर इवन फॉर हर। किसके लिए करता है? सवाल ये नहीं कि कर क्या कौन रहा है। मोहब्बत एक ऑटोमेसी का नाम है, उसमें हम बैठ के कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। आई हेट पीपल व्हेन दे टॉक मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, आई हेट हियरिंग दिस, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ रिलेशनशिप विच डिमांड्स देयर मस्ट बी एन ऑटोमेसी एंड देयर ऑटोमेसी कम्स फ्रॉम लव। सही बात, मोहब्बत के पास हर प्रॉब्लम के हल और हर दरवाजे को खोलने की कुंजी है। सही है, मोहब्बत दसियों प्रीरेक्विजिट्स है, और सबसे बड़ा प्रीरेक्विजिट है उसके पास लेस देन गुना माफी का। और ये माफी, इस माफी में औरत मर्तबे में मर्द से बहुत बड़ी है। बजाय इसके कि हम इन चीजों को एम्फेसाइज करते और बताते कि आपका रुतबा बड़ा है, और मर्द को समझाते कि देखो गलतियों तक रहो, गुनाहों तक ना जाओ, तो हम एक अच्छे माशरे की परवरिश करने में कामयाब हो जाते। हमने एक नया स्लोगन रेज किया, आप मर्द को बता रहे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हाँ वी आर रेडी टू हियर दिस ऑल, यू नो ये मौसम का हाल है, हाँ क्या आज आपसे पूछा जाए आपके जिस्म की क्या मर्जी है, परसों फिर पूछा जाए? दिस वॉज स्टूपिड आइडिया, ये आइडिया बोरोड। हमारी बदकिस्मती है, हमारे पास बोरोड इकोनॉमी, बोरोड बुक्स,
बॉरड फैशन बॉरड नॉर्म्स हम क्या कर रहे हैं वो जो सेंटिटी ऑफ आर नॉर्म्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की समहा और अदर कोशिश कर बिल्कुल ऐसे ही है रमशा आप मुझे करेक्ट कर देते हैं ना लेट मी करेक्ट यू जरूर कीजिए दुनिया की कावर्ड मोस्ट स्पीशीज आर मर्द यस बुजदिल त्रीन स्पीशीज एक औरत के हाथ पे अपने अपना सारा वकार अपनी सारी इज्जत अपना सारा ठसा रख के उसकी मुट्ठी को बंद करके कहता है मैं जा रहा हूं तेरे लिए कमाने के लिए इस मुट्ठी को खोलना मत ये है रिश्ता वो इस भरोसे पर कि घर में बैठी हुई वो औरत उस मुट्ठी को भींच कर बैठी है वो बाहर गर्मी में की कड़कती धूप में जल रहा है वो अपने सुपीरियर से बेइज्जत हो रहा है वो रास्ते की खाक छान रहा है वो किसी इशारे पर कहीं गाड़ी के ठुक जाने पर किसी से लड़ रहा है किसी से गाली सुन रहा है किसी को गाली दे रहा है या वो साइकिल पर या वो ईंटों की तगारी उठाए या वो सीमेंट की तगारी उठाए किसी घर में काम कर रहा है खुदा की कसम ये ठस्सा है उसका जब उसको ये मालूम होता है ना वो गर्दन तान के वो तगारी उठा के ऊपर जाता है जब उसको पता होता है कि वफादार बीवी घर पे बैठी हुई है एंड ही इज रेडी टू रिलाई ऑन दैट प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में कब क्या आ रहे हैं जब हम ये कहते हैं ना कि वो देखिए जी कल तो लव मैरिज हुई आज क्या हो गया मर्द तो बहुत बुरा है ना उसमें गलतियां हो रही हैं हमारी अच्छी लड़कियों से भी हो रही हैं हमारी अच्छी लड़कियों की सबसे बेवकूफाना हरकत है कि जो ही मर्द से शौहर से कोई प्रॉब्लम होता है पहला फोन अपनी माँ को करती है जिस आदमी के साथ 50 साल गुजारने हैं उसकी शिकायत लगाने के लिए उसको फोन करेंगी जिसके साथ सिर्फ 20 साल गुजारे थे क्या बात है फिर दूसरी जो सबसे अहम बात हमारे यहाँ एक क्लास है एंड यू नो इट वेरी वेल जो मर्द को इनसिक्योर रखना पसंद करती है वो इनसिक्योरिटी मैं बार बार चीखता हूँ मर्द से अगर आपने अपनी परस्तिश करवानी ना उसको इनसिक्योर मत रखिए टेल हिम आई एम बॉर्न फॉर यू वो आपको कुछ नहीं कहेगा जब इनसिक्योर रखेगी वो यहां रखेगा बात क्योंकि उसकी गैरत उससे तकाजा करती है कि तुमने बोलना नहीं है तुमने जब्त करना है यू मैं आपको मिसाल दे देता हूं किसी मर्द को ये शक हो जाए बल्कि कहीं मैंने लिखा कि औरत जब शक करती है तो मुझे हंसी आती है लेकिन मर्द जब शक करता है तो मुझे रोना आता है सही औरत मर्द को जब शक होता है ना वो यूं सुकड़ जाता है वो शाम को अपने आप को भी नहीं बताता कि मेरी बीवी क्या कर रही है वो दुआ करता है या अल्लाह मैं कबूतर हूं सामने बिल्ली है लेकिन बिल्ली शिल्ली ना हो वहां आंखें बंद कर ले लेकिन औरत को जब पता चलता है ना कि मर्द को गलती कर रहा है वो यूं ढिंढोरा पीटती है उसकी अल्टीमेटली उसकी आवाज मोहल्ले तक सुनाई देती है ये फर्क है दोनों में सही है तो खुदा के वास्ते मर्द को ये मत बताइए बताइए शादी करने के बाद कि मुझे तो फलां का रिश्ता भी आया हुआ था फलां वाज डाइंग फॉर मी नो अच्छा, इससे आप इनसिक्योर नो सुनिए इसको खत्म मत कीजिए उसको इनसिक्योर मत रखिए मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व्ड खलजा मैं जरूर आपका इस पे कमेंट लेना चाहूंगी कि इस सिचुएशन में जो हम क्रिएट करके बात कर रहे हैं उसमें बेचारा है भी वो मर्द के नहीं है देखिए मैं आई विल नेवर कॉल मर्द बेचारा या आई विल नेवर कॉल औरत बेचारी ये हमने खामखा कुछ इंसिडेंट्स होते हैं उसमें हम ये लेबल करते हैं हमको मैं आपको पहली बात बताऊं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो समझने की है जो हमें बहुत सारे मसाइल को सुलझाने की तरफ ले जाएगी सास और बहू जिनको ये दोनों नाम मेरे किसी ड्रामे में नहीं लिखे गए सही बिकॉज मैं ये क्लैश मानता ही नहीं हूं ये क्लैश एक गलती की बुनियाद पर हो रही है गलती क्या है आप दोनों खातीन हैं आपको नहीं पता आपकी माँ ने आपको हजारों दफा डांटा और कई दफा भेजा भी डांट दिया exactly. उस पर आप सुलगती नहीं सारी रात बिल्कुल सही सुबह आपने अपने अब्बा से ये नहीं कहा कि मैंने अपनी माँ को छोड़ के चले जाना है एक गलत हमारी औरतों ने हमारी आज मैं कहता हूँ मैं हालां कभी बात नहीं किया करता था हमारी खातीन राइटर्स ने ये कॉन्सेप्ट लिखे सास को एक डाइन बनाया बहू को सिखाया गया घर पे ही अभी वो वहां पहुंची नहीं है कि तुम जो अगले घर जा रही हो तो तुम्हारा साबिका एक डाइन से पढ़ने वाला है तो प्लान करो उसको फिक्स करने का मैं आपको सही बोल रहा हूं right. अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात बता दूं जिस पर हजारों ड्रामे लिखे गए कि सास और बहू की लड़ाई ठीक है मुझे एक बात बताइए रिकॉल कीजिए शादियां बेटों की उस दिन सबसे ज्यादा खुश कौन होती है
सास बेटे की माँ, बिल्कुल ठीक है, जितने वो शगुन पूरे कर रही होती है अपनी बहू के, लड़ाई कहाँ होती है? लड़ाई सास और बहू में नहीं होती। मैंने कहीं लिखा कि जिस औरत में, जिस बीवी में शौहर के लिए माँ ना हो, वो कभी अच्छी बीवी नहीं होती। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। तो लड़ाई किससे होती है? एक माँ वो लेकर आती है बीवी अपने अंदर, एक माँ घर पर बैठी हुई है, वो दोनों माओ का क्लैश है, यू नो? सही। अब बेटे यहाँ गलती करते हैं, ठीक है, शादी से चार दिन पहले मुसलसल वो पिछले कई सालों से माँ के पैर दबाते थे, ऑफिस से आने से पहले, कारोबार से आने से पहले माँ से नजरें चुरा के सीधा भागता है अपने बेडरूम की तरफ। वो वहां तड़पती इस बात के ऊपर कि अपनी माँ नू छड़ के दूजी माँ वाल चला गया। ये फिक्रे बोले जाते हैं ना, बिल्कुल बोले जाते हैं। अब अगर वो लड़की समझदार हो तो उसको दरवाजे पर बोले कि मियाँ पहले तुम ये काम करते थे, जाओ आज ये जरा सा ज्यादा करके आओ। वो तुम्हें खुद कहेगी चल उठ यहाँ से, वो ऊपर तरह इंतजार कर रही है, मैं आपको गारंटी करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल। आप जब शादियां हो जाती हैं, आप जब भी बीइंग अ डॉटर, आप घर से निकल के तो दिखाएं अपनी माँ की इजाजत के बगैर, आपकी ऐसी की तैसी, इन आर जनरली जो होता है हमारे, जो हमारा, और आई लव दिस सोशल सेटअप कि बेटी अपनी माँ से इजाजत लिए बगैर घर से बाहर नहीं जाती। अब जब ये शादी हो जाती है तो वो भी माँ एक, एक, एक लड़के की, अम्मी जी हम सिनेमा देखने जा रहे हैं, और नहीं भाई, अम्मी से जाके कहिए अम्मी हम सिनेमा देखाएं, और दुआ कीजिए कि अम्मी उस दिन मना कर दे आपको और आप रुक जाएं। वो खुदा की कसम जिंदगी में कभी आपको मना नहीं करेगी, और पूरे मोहल्ले को 200 साल तक बताती रहेगी कि मेरी बहू तो मेरे एक इशारे पर मेरी बात मान लेती है, मैं उसको मना कर दूं तो वो जाती नहीं है कहीं। ये बातें समझ नहीं आ रही, अपनी माँ की हर चीज बर्दाश्त कर लोगी, वो भी माँ है यार, खुदा के वास्ते बिलीव कीजिए, शी इज हैंडिंग ओवर टू, आप भी बहुत कुछ दे के आ रही, आपने अपने सारे रिश्ते छोड़े, एक शख्स को उन सारे रिश्तों समेत अपना के समझा कि इसके पास है वो सारे रिश्ते, यही खालू है, यही चचा है, ये मामू है, यू नो, यू लीव, अ गर्ल लीव्स एवरी रिलेशन असाइड फॉर द हस्बैंड। तो एक रिश्ता, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट द सन, वो माँ आपको दे रही है, उसकी कदर कीजिए, और वो थोड़ी सी कदर करने को बहुत ज्यादा कदर समझेगी।